तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो एमएम होता है बेसिकली कैमरा लेंस में, वो क्या होता है। तो एमएम का जो होता है, एमएम का मतलब तो पता होगा, मिलीमीटर शायद यही होता है मेरे ख्याल से, याद नहीं है हमको। लेकिन कैमरा में इसका क्या मतलब होता है? तो कैमरा में जो होता है ना मिलीमीटर, जो मतलब ये कैमरा में जो एमएम होता है बेसिकली, वो होता है कैमरा के सेंसर और जो क्या कहते हैं जो लेंस है उसका, उसका फोकल लेंथ जो है उसके बीच का जो है डिस्टेंस, कैमरा का सेंसर और उसके जो मतलब फोकल लेंथ कहा गया, एक मिड पॉइंट जो होता है कैमरा का, फोकस पॉइंट जिसको शायद बोलते हैं, उसके बीच का डिस्टेंस उसी को बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और उसी को एमएम में जो है सो डिनोट करते हैं। तो बहुत सारा होता है। तो बात करें कि जितना ज़्यादा एमएम होता है और जितना कम एमएम होता है उसका कैमरा कैमरा पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब लेंस का जो कैमरा पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली अगर आपका कम है, जनरली जो है जितना हम देख सकते हैं अपने आँख से उतना, मतलब अरे हम सिंपल सा बात बताते हैं, एमएम जो है सो डिसाइड करता है कि आप कितना ज़्यादा एरिया जो है सो मतलब सेंसर जो है सो कितना ज़्यादा देख सकता है या कितना कम देख सकता है। कहने का मतलब अगर कोई मतलब 50 mm का लेंस है तो वो जो है उतना देखेगा जितना हम अपने आँख से देखते हैं। अगर 50 mm से कम है तो उससे ज़्यादा देखेगा। मान लीजिए 30 है तो उससे 50 से ज़्यादा देखेगा, 20 है तो 30 से ज़्यादा देखेगा। और अगर 15 आ गया है, 10 आ गया है, तो ये वाइड मतलब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा देखेगा, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसका फील्ड ऑफ व्यू होगा। उसको वाइड एंगल लेंस भी बोलते हैं। वाइड एंगल लेंस जितना होता है, जो बहुत सारा फील्ड ऑफ व्यू होता है उसको जनरली कम, जितना भी कम एम होता है 50 mm से कम, सबको वाइड एंगल जनरली लेंस बोलते हैं और वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है। तो और ये जो मतलब वाइड एंगल लेंस होता है ये बेसिकली जब जितना ज़्यादा वाइड होते जाता है उतना जो है सो मतलब अजीब सा पिक्चर होता जाता है। जैसे कि मतलब आप ऐसे कीजिएगा ना, जैसे ये हुआ ना हाथ, ऐसे कीजिएगा तो जो है सो आपका हाथ जो है सो बहुत बड़ा नजर आएगा। और आपका धीरे धीरे जो है सारा पीछे जो है सो पतला होता जाएगा, मुंह आपका गोल गोल फिश की तरह नजर आएगा। तो उसको फिश आई मतलब जो है सो ना फिश आई इफेक्ट जो है सो जनरेट होता है। जैसे जैसे मछली देखता है, पता नहीं क्यों फिश आई इफेक्ट उसको नाम दिया गया है, शायद मछली की आँख से जो है सो ऐसी मछली को वैसा ही दिखता होगा, इसलिए जो है सो जो है सो नाम डाल दिया गया कि फिश आई लेंस। बेसिकली यही जो भी होता है। उसके बाद जो 50 mm से ज़्यादा का लेंस होता है वो बेसिकली जूम लेंस हो जाता है। उससे आप उसको यूज़ किया जाता है किसी भी दूर के चीज़ को नज़दीक देखने के लिए, उसका फील्ड ऑफ व्यू उतना कम होता जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद बात करते हैं और डिटेल बताएं या फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलो बता ही देते हैं। तो उसके बाद जितना फील्ड व्यू जो है सो मतलब उसका कम हो जाता है तो वो जूम लेंस बनता जाता है। मतलब उसके बाद जितना भी लेंस आता है 50 mm से बाद का सबको जूम लेंस बोलते हैं। तो हम मेरे जब हम बहुत पहले हमको मेरे किसान मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चन था यार, क्यों ना एक जूम लेंस खरीद दिया जाए जिसका रेंज हो क्या कहते हैं 10 mm से लेके 150, 20, 130 mm का, उसी से जो है सब चीज़ सब फोटो खींचा जाए। तो इसका जो है सो मतलब खींचा जा सकता है लेकिन मतलब आपका जो है सो क्वालिटी घट जाएगा। एक लेंस जो जूम लेंस होता है, जितना जूम 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 कीजिएगा उसको, उसका एपरेचर उतना जो है सो मतलब उसका जो ओपनिंग है वो क्लोज होते जाएगा, मतलब एपरेचर जो है बेसिकली बढ़ते जाएगा, समझ गए, कम होने के बजाय बढ़ते जाएगा और उसका उसका ओपनिंग क्लोज होते जाएगा। अरे सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो इसका कहने का मतलब है कि आपका जो है सो आप अगर सोच रहे हैं कि मतलब नाइट फोटोग्राफी करने का, तो आप जूम लेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जूम कीजिएगा तो आपका जो है सो धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा पूरा और काला हो जाएगा ये, तो नाइट फोटोग्राफी के लिए ठीक नहीं होता है जूम लेंस। और मतलब यही वजह है कि मतलब बहुत सारा लेंस है, तरह तरह का लेंस है। मेनली टू टाइप का लेंस होता है कि जूम लेंस होता है, क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल रहे हैं यार, हाँ जो भी हो। तो उस टाइप में होता है कि वो फिक्स, उसका फोकल लेंथ फिक्स होता है। जूम लेंस का फोकल लेंथ वेरिएबल होता है, मतलब एक रेंज में होता है जूम लेंस का। और उसका जो है क्या बोलते हैं, नाम भूल रहे हैं हम फिलहाल, पता नहीं क्या नाम था, जो भी हो तो उसका जो होता है फिक्स होता है। तो फिर वो जो टाइप का लेंस होता है वो जूम लेंस से अलग क्यों होता है? क्योंकि
उसको जो है सो डिज़ाइन किया जाता है कि उस फोकल लेंथ में वो बेस्ट शार्पनेस दे सके। जनरली आप जूम लेंस खरीदिएगा तो जूम तो कर देगा लेकिन शार्पनेस उसका थोड़ा घट जाएगा और मतलब क्या बोले ग्रेन आ जाएगा, एपरेचर भी वेरिएबल होता है। बहुत सारे जूम लेंस का एपरेचर जो होता है कॉन्स्टेंट होता है लेकिन उसका जो रेंज होता है ना एमएम जिसको बोले एमएम का रेंज होता है क्या कहते हैं फोकल लेंथ का रेंज होता है कम होता है, 10-10 या 20-20 होता है फोकल लेंथ का रेंज। आपको एक और बोनस पॉइंट बता देते हैं इस वीडियो में कि कई बार आप सुने होंगे, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। कई बार सुने होंगे आप कि मतलब 10x जूम है 5x जूम है तो ये क्या होता है? तो बेसिकली 10x 5x जूम ये बेसिकली कुछ नहीं होता है कि जूम लेंस ही होता है लेकिन मैक्सिमम फोकल लेंथ जो होता है उसका, जैसे कि मान लीजिए किसी का मतलब 100mm है, ठीक है 10 से 100mm के बीच में, तो इसका जो 10 से 100mm के बीच में इसका जो है सो फोकल लेंथ है तो उसका उसको डिवाइड करता है मैक्सिमम फोकल लेंथ को जो है सो मिनिमम फोकल लेंथ से डिवाइड करके जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं 10x जो भी हो, तो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो मतलब 10x होगा जिस लेंस का जो है सो 10 से 100। वैसे जनरली ऐसा लेंस होता नहीं है शायद, पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन कहने में तो समझ गए होंगे कि क्या होता है ये 10x 20x 30x 30x। किसी कॉम्पैक्ट कैमरा में तो जो होता है 50x तक होता है लेकिन 50x कहने के लिए हाथ दे देता है यार देखो ये 50x जाएगा लेकिन उसका क्वालिटी घट जाता है। तो इसीलिए जो है अलग प्राइम लेंस बोलते हैं शायद उसको, जो हम भूल रहे थे ना, प्राइम लेंस होता है शायद मेरे ख्याल से, वही प्राइम लेंस होता है और एक जूम लेंस होता है। तो प्राइम लेंस में होता है कि जो होता है ना फोकल लेंथ वो कांस्टेंट होता है और उस फोकल लेंथ के लिए बेस्ट लेंस माना जाता है क्योंकि वो डिजाइन किया जाता है उस फोकल लेंथ के लिए। तो जनरली अगर आपको मतलब नॉर्मल फोटोग्राफी करना है तो किट लेंस क्या होता है फिर? तो किट लेंस वो लेंस होता है जो कि आपके मतलब कैमरा पहले से आता है, मतलब जो आपको DSLR खरीदिएगा या फिर मिररलेस खरीदिएगा तो उसके कैमरा में जो पहले से लेंस आएगा वो किट लेंस होता है। जनरली उसका फोकल लेंथ जो होता है 50mm होता है, उसी के आसपास में होता है 50mm के आसपास में, और जनरली वो जूम लेंस होता है और साथ में जो होता है 50mm के आस पड़ोस में जो होता है उसका फोकल लेंथ होता है, जिससे कि वो बेस्ट माना 50mm को जो है सो बेस्ट माना गया है नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए। अगर आप नॉर्मल यहाँ वहाँ जहाँ मन तहाँ क्लिक करते हैं फोटो तो 50mm खरीद दीजिए, 50mm का जूम लेंस मतलब 50mm के आस पड़ोस में ऊपर नीचे ही में उसका जूम रेंज होना चाहिए तो बेस्ट आपके लिए काम करेगा वो, समझ गए हम बेस्ट फोटोग्राफी का। उसके बाद एक और लेंस का टाइप होता है माइक्रो, निकॉन बनाता है माइक्रो लेंस करके और नॉर्मली उसको कहते हैं मैक्रो लेंस लेकिन निकॉन उसको देता है नाम माइक्रो। तो वो लेंस होता है वो अलग होता है, उसका फोकल लेंथ बहुत कम होता है लेकिन डिजाइन क्या होता है कि बहुत छोटे चीज़ को जो है सो देखिएगा, जनरली होता है ना कि मतलब आप कोई भी चीज़ आप आँख से भी एक किसी भी सब्जेक्ट के एकदम नज़दीक जाइएगा ना तो आपको ब्लड़ी धुंधला धुंधला नज़र आएगा, तो कहने का मतलब जो आउट ऑफ फोकस जो हो जाता है ना उसको मतलब उतना नज़दीक जाने के लिए जो कोई लेंस जो डिजाइन किया था उसको बोलते हैं माइक्रो लेंस, जिसको सॉरी मैक्रो क्या बोलते हैं यार मैक्रो लेंस, हाँ जिसको निकॉन माइक्रो लेंस भी बोलता है। तो उस टाइप का लेंस जो है सो बेसिकली एकदम नज़दीक में जा सकता है और बिना आउट ऑफ फोकस हुए जो है सो मतलब क्या कहते हैं पिक्चर क्लिक कर सकता है। और एक होता है टेलीफोटो लेंस, वो होता है कि जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना है आपको, देखिएगा लंबा चौड़ा होता है टेलीफोटो लेंस। एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी लेंस का साइज़ देख के ये नहीं डिसाइड कीजिए कि इतना एम का होगा, क्योंकि कई बार चकरा जाइएगा, छोटा छोटा लेंस होता है बहुत, जैसे स्मार्टफोन का लेंस, स्मार्टफोन में कितना छोटा लेंस होता है, इतना ही एरिया में होता है शायद, उससे भी कम एरिया में, पता नहीं कितना इतना एरिया में, लेकिन वो होता है 50mm के आसपास, तो यही 35mm के आसपास होता है या 35 से 50 उससे ज़्यादा पता नहीं, कि उसी के आसपास होता है, हमको ठीक से पता नहीं है, हमको याद नहीं, याद होना चाहिए था लेकिन। तो यही होता है मतलब लेंस का प्रकार। तो हाँ टेलीफोटो था, तो टेलीफोटो जो लेंस होता है ना वो होता है बेसिकली जूम, मतलब बहुत ज़्यादा जूम होता है, बहुत जूम इन किया होता है ऑलरेडी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत दूर है शेर खड़ा वहाँ पे, उसका पिक्चर अगर बेस्ट क्वालिटी के साथ क्लिक करना है तो आपको टेलीफोटो लेंस यूज़ करना चाहिए। देखिए हम आपको सिंपल सिंपल बता देते हैं, अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो
तो आप अगर दूर है सब्जेक्ट तो टेलीफोटो लेंस यूज़ कीजिए, अगर नज़दीक है एकदम नज़दीक है तो माइक्रो लेंस यूज़ कीजिए, और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना है तो आप एक क्या बोलते हैं उसको 50mm का लेंस चलेगा मतलब। हाँ तो यही है, और अलग अलग तरह का लेंस आता है मतलब इसी तरीके में जो है बहुत सारा लेंस आता है। तो डिसाइड जो मतलब क्या बोले थे अभी हम नाम याद किए थे, आप बताए भी थे, आप नाम भूल गए, बहुत भुलक्कर है यार, क्या था वो जो भी था याद नहीं आ रहा है, अभी नाम बोले थे अभी भूल गए। तो वो जो था उस टाइप का लेंस, एक होता है जूम लेंस, है कौन सा था भूल रहे फिर से भूल गया, खैर कोई बात है। तो वो जो टाइप का लेंस था, हम क्या बोलने वाले थे भी भूल गए, तो वो जो टाइप का लेंस था याद करते हैं रुको, तो अरे जो भी हो उस टाइप का जो लेंस था कि मतलब नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए बेस्ट होता है उस टाइप का लेंस, क्या कहते हैं 50mm के आसपास मोबाइल समय वही होता है। एक बात और जो मतलब क्या कहते हैं ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको मतलब जैसे कि बोके होता है ना, मतलब आपको फोटो स्मार्टफोन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो बोके इफेक्ट क्रिएट किया जाता है कि बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, अगर उस टाइप का अगर आपको फ़ोटो खींचना है तो उसके लिए आपको लो अपर्चर मतलब लो अपर्चर नहीं, कहने का मतलब कि उसका जो ओपनिंग होता है अपर्चर वाइड ओपन होना चाहिए, कहने का मतलब लो अपर्चर वैल्यू मतलब 1.8 से नीचे या 1.8 जो होता है उस अपर्चर वैल्यू का, और साथ में जो है कितना mm होना चाहिए, कितना भी mm मतलब 50mm अगर लो अपर्चर है उससे अगर आप फोटो खींचिएगा और तो आपका जो है सो पीछे बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट क्रिएट होता है, बोके पीछे में एकदम ब्लर हो जाएगा। और DSLR का जो ब्लर होता है वो बेसिकली मतलब आर्टिफिशियल ब्लर नहीं होता है, वो जो है सो क्रिएटेड कहने का मतलब वो लेंस के द्वारा क्रिएट किया जाता है, इसलिए वो परफेक्ट बोके होता है, उससे बढ़िया बोके होता ही नहीं। तो ये मेरे ख्याल से कितना मिनट का वीडियो बन गया, 12 मिनट का। तो आप बाकी डिटेलिंग बाकी बात सब बात बाद की वीडियो में, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर पसंद आ गया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत, पीस आउट, लिखो ना भाई।